हेलो एवरीवन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बबल सॉर्ट के बारे में जो एक अगला सॉर्टिंग एल्गोरिथम है अब तक हमने एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम सीखा है जो है सिलेक्शन शॉर्ट उसका वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में और एक आज हम सीखना रहे हुए बबल सॉर्ट के बारे में बबल सॉर्ट भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिससे हम आसानी से कोई भी एक एरे ऑफ एलिमेंट्स को हम सॉर्ट कर सकते हैं इन डेप सीखने के लिए आप पूरे वीडियो में बने रहे ताकि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट बबल सॉर्ट का पूरा अच्छे से पूरा हो जाए तो अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मैं चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जाके आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स फ्री में मिल सके मैंने एक पूरे कम्प्लीट सी प्लस प्लस बी एस ए सीरीज बना रहा हो जहाँ पर मैं बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक मैं आपको सारा चीज़ सिखाने वाला हूँ और अभी हमारा ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट हो चुका है पूरा कोर्स हमारा फिफ्टी वीडियोज डर चुके हैं आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आना बाकी है तो प्लीज़ उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करिए अब चलते हैं हम मेन कंटेंट पर तो पहला जानता है बबल सॉट होता क्या है ठीक है तो बबल सॉट एक सिंपलेस्ट शॉर्टिंग एल्गोडम है जो रिपीटेडली स्वैपिंग करके हमारा अपना जो काम है वो पूरा करता है ठीक है तो इसका क्या है जैसे कि हमने सिलेक्शन शॉट सीखा था उसमें हमने ये चीज़ सीखा कि हमें एक एलिमेंट को हमें हर एक एलिमेंट को चेक करना एक एलिमेंट को हर एलिमेंट से चेक करना होता है चेक करके कि क्या वो एलिमेंट स्मॉलेस्ट है कि नहीं और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हम उसको शॉर्टेड में शिफ्ट करते हैं इसी तरीके से बट अलग है से बबल शॉट क्योंकि बबल शॉट को आपको बाजू वाले एलिमेंट से आपको चेक कर जो आपकी लेबर एलिमेंट है आपको उससे चेक करना है कि क्या वो बाजू वाला एलिमेंट है स्मॉल है कि नहीं अगर वो मिनिमम एलिमेंट है तो हम उसको स्वैप कर और यही स्वैप चलता रहता है अभी समझो कि एक बार एक स्वैप हो गया तो हम दूसरा और एक आ, स्टेज पर लेके आते जहाँ पे वापस एक बार स्वैप कर हम तब तक स्वैप करते तब तक हमारा जो बबल शॉट है वो शॉर्ट ना हो तो बबल सॉर्ट इज अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम एज इट ओनली रिलाइज ऑन कंपेयरिंग एलिमेंट्स यूजिंग अ कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम सब कंपेयर करते हैं और जिसका कंपैरिजन होता है हमारा हम उसको स्वैप करते जाते हैं जिससे क्या होगा कि हमारा एक सॉर्टेड एरे हमें मिल जाता है बबल सॉर्ट इज जनरली नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्ज डेटा सेट ऑफ प्रोडक्शन को ड्यू टू इट्स स्लो परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स अगर आप हर एक एलिमेंट को सॉर्ट कर स्वैप करते गए तो शायद आपके लिए डिफिकल्ट होगा जब आप उसको लार्ज स्केल में आप उसको uh,

तो यहाँ पर भी सेम हो गया यहाँ पे सिक्स और सेवन स्वैप हो गया अब इस सेवन और फोर को आप कंपेयर करोगे तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि जो फोर है वो लेस देन सेवन है तो आप इसको भी स्वैप करो तो फोर और सेवन को भी स्वैप किया हमने यहाँ पे और सेवन और थ्री को आप कंपेयर करो तो आप देखोगे कि सेवन और थ्री में से थ्री जो है वो छोटा रिमेट है तो आप उसको भी स्वैप करो इसी तरीके से हम स्वैपिंग करते हैं और अभी आप देखोगे कि एक जो पूरा पास है वो कंप्लीट हो चुका है अभी आप सेकेंड पास करो सेकेंड पास में क्या होगा फिर से हम वही जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमने एंड किया उसको यहाँ पे लिख आएंगे और सिक्स फोर थ्री सेवन को आप लिखोगे अभी इससे क्या होगा जो सिक्स और फोर आप उसको देखोगे तो आप बोलोगे कि पॉल जो है वो छोटा है तो आप उसको स्वैप करोगे फिर आप फोर और सिक्स और थ्री को देखोगे अभी सिक्स और थ्री में कौन सा है थ्री छोटा है तो आप उसको स्वैप करोगे और जब आप देखोगे कि सिक्स और सेवन तो आप बोलोगे कि अच्छा ये तो ठीक है इसको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है तो ये यह यहाँ पे हो जाता है खत्म अब चलते थर्ड बार हमें लास्ट एक थर्ड पास किया थर्ड पास मतलब लास्ट नहीं होता अगर ये समझो कि ये यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता तो ये कंटिन्यू होती जाती है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे भी हमने देखा यहाँ पे फोर्थ थ्री सिक्स सेवन है तो फोरथ थ्री सिक्स सेवन में जो थ्री है वो सबसे स्मॉलेस्ट है तो हमने इसको स्वैप किया और जो लास्ट हमें दिखता है कि अभी जो फोर और सिक्स है ये तो उस सही है अभी आप सिक्स और सेवन लिखोगे तो ये भी सही है तो इसी तरीके से हमारा जो बबल शॉट है वो कम्प्लीट हो चुका है ठीक है प्रोसेस लेंगी है बट कैसा है कि ये बहुत आसान है मतलब समझने के तो बहुत आसान है और इसका जब आप स्मॉल डेटा सेट पर काम करोगे तो ये आसान है बट लार्ज डेटा सेट के लिए शायद मैं आप बोल रहा हूँ कि ये मुश्किल होगा बहुत कॉम्प्लेक्स होगा तो इसलिए फॉर लार्ज डेटा सेट लास्ट इज नॉट रिकमेंडेड तो अभी हम समझते हैं कि वेंटो यूज बबल सॉर्ट ठीक है ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब स्मॉल एलो को सॉर्ट करना होगा तब हम बबल सॉर्ट यूज़ करते हैं और सेम गोल्स फिर सिलेक्शन शॉट ऑल्सो अगर हमें स्मॉल एरे के साथ काम करना होगा तो हम लोग सिलेक्शन शॉट यूज़ करते हैं कोड मेन्टेनेबिलिटी इज़ अ प्रायोरिटी अच्छा ये इंपॉर्टेंट है ठीक है अभी कैसा होगा कि जब आप आगे अलग अलग शॉटिंग समझोगे तो आप समझोगे कि हमें बहुत सारे एरेज़ को तोड़ना पड़ेगा फिर उसको अलग अलग करना पड़ेगा उसको सेपरेट करना पड़ेगा तो इससे क्या होता है कि जो कोड है वो मेंटेन नहीं रहता तो अगर आपको कोड मेंटेनेबिलिटी को प्रायोरिटी रखना है तो आप बबल शॉट यूज़ करना चाहिए एडिशनल मेमोरी फॉर शॉर्टिंग और स्टोरिंग टेम्प्रेरी डेटा डेटा स्ट्रक्चर इज़ नॉट रिक्वायर्ड अगर आपको कोई अलग सा मेमरी फॉर अभी फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है कि आपको टेम्प्रेरी वेरेबल बनाना पड़ता है जहाँ आपके जहाँ पे आपको अलग सा मेमोरी को स्टोर करना पड़ता है एक एक मेमोरी को टेम्प्रेरी स्टोर करना पड़ता है जहाँ आपको ये सब नहीं करना होगा आप डेफिनेटली वहाँ पर बबन शॉट यूज़ कर सकते हो ये आपका कारण काम बहुत आसाना फिर अभी समझते कि एडवांटेजेस क्या है बबन शॉट के एक है कि सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है आप अभी समझ आया मैंने कितना आसान में कोई भी समझ दूसरा है कि वर्क वेल विध स्मॉल एटा मैंने आपको सिखाया पहले बताया कि स्मॉल एटा सेट पर बहुत अच्छा काम करता है फिर इसके डॉट वर्क वेल विटा सेट मतलब ज्यादा लेंगली डेटा स्टेट होगा तो उस पर काम अच्छे से नहीं करता नॉट सुटेबल फॉर रियल टाइम सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर समझो कि आप लाइव डेटा पे काम करते हो लाइव डेटा पे मतलब है कि जो साइड बाई साइड चल रहा है तो उसमें बबल सॉट का काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि डेफिनेटली वो ऑन द टाइम एक एक एलिमेंट्स को लेकर एक एक करके स्वैप करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है बबल सॉट का तो अभी हम समझते हैं सुडो कोड बेसिक सुडो कोड की कैसे बबल सॉट काम करता है तो यहाँ पे क्या है कि आपको पहली बार तो एक फंक्शन में रहा है जहां पे आपको पहले एंड लेंथ ऑफ एरे आपको दिया जाएगा फिर आपको चेक करना है कि आई से लेके एंड तक जाएगा वो एंड माइनस वन तक अगर समझो कि वो आई माइनस वन की जो वैल्यू है मतलब एक पिछली वैल्यू है और वो करंट वैल्यू से अगर बड़ी है तो आपको उसको स्वैप करना पड़ेगा ठीक है तो इसमें बाई डिफॉल्ट पहले कहा गया कि स्वैप इक्वल टू फॉल्स फिर जैसे ही ये अगर सेटिस्फाइड होता है तो हमें स्वैप इक्वल टू ट्रू करना है ताकि वो स्वैप हो जाए ठीक है फिर हमने एल डिफ किया फिर हमने फॉल का एल किया और हमने जब तक वो स्वैप नहीं करते हैं हम इसको कनेक्ट करना है मतलब टिल दी एंड तक जब तक वो कंटीन्यूसली सब एरे सॉर्टेड ना हो पूरा एरे सॉर्टेड ना हो तब तक हमें स्वैपिंग करना है और फिर हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा हमें जो स्वैप हुआ एलिमेंट्स का एरे है जो एक फाइनल सॉर्टेड एरे है हमें वो मिल जाएगा ठीक है तो आपको ये समझाऊंगा मैं वापस कोड लिखते समय बहुत अच्छे से डिटेल में एक्चुअल में बहुत ईजी कोड है अगर आपको सिलेक्शन सॉर्ट समझ आया होगा तो आपको बबल सॉर्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझे कि कैसे हम को आगे चल के इस पर अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह अगर टी सी समझ रहे हैं कि टी क्या होगा बबल शॉट का तो डेफिनेटली वो होगा बिग ऑफ स्क्वायर क्योंकि आपको एक तो आपको दो लुप, है एक लुप होगा जो हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करने में मतलब जो बाजुआ एलिमेंट है हमें उसको अगर ट्रैवर्स करना होगा तो हमें एक लुप चाहिए दूसरा लुप क्या है इनको कंपेरिजन करना पड़ेगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुटा है कि नहीं फिर अगर छोटे एलिमेंट है इसमें तो उसमें हमें स्वैप फंक्शन यूज़ करना होगा तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी मैं बोलूँगा कि बिगो ऑफ एंड और बिगो ऑफ एंड मिला के ये बिगो ऑफ एंड स्क्वायर बने क्योंकि डेफिनेटली आप एक लूप के अंदर और एक लूप चला रहे हो तो आप नेस्टेड लूप यूज़ करो नेस्टेड लूप में क्या होता है आप जब दो लूप चलाते हो तो अभी आपको डेफिनेटली मल्टीप्लाई करना होगा बिगो ऑफ एंड और बिगो ऑफ एंड जो होता है बिगो ऑफ एंड स्क्वायर ठीक है तो इतना आपको समझ आया होगा ये वहीकल पार्ट है अभी इसका जब आप अभी कोड लिखेंगे तो आपको समझना है कि कैसे काम करता है बबल शॉट तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा अभी तक बबल शॉट कैसे लिखते हैं कैसे काम करता है तो जाके बैक करके देख लेना एक बार कि बबल शॉट कैसे काम करते है ताकि आगे जाके आपको जो कोड है वो बहुत ईजिली समझ आए विजुलाइज हो पाए तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जो फाइल होगा बबल शॉट डॉट सी पी पी अभी मैं कोड लिखता हूँ मैं ने बैठ निकालता हूँ लिखता हूँ मैं जो है मैं कोच टेम्पलेट अभी पहली बात तो मुझे फंक्शन लिखना है फंक्शन वो लिखना है जहाँ पे बबल शॉट में बता पाऊँ तो मैं लिखता हूँ वाइड बबल शॉट वाइड बबल शॉट मैं और मैं दो चीज़ को लिखता हूँ एक है मेरा एम एरे जो आएगी वो और दूसरा आएगा एल की बैट वो जो साइज ऑफ एरे ठीक है अभी मेरा फंक्शन पहले मैं फॉर फॉलो चला फॉलोप में क्या आएगा फॉर फॉर फॉलोअप में इंट आई जीरो आई प्लैस एन माइनस वन कर दूंगा मैं एन माइनस वन और मैं आई को इंक्रीमेंट करूँगा ठीक है ये हमारा फर्स्ट टैग बहुत आसान है ठीक है ये है अपना आउटर लुक अभी होगा इनर लुक इनर लुप में क्या आएगा हमारा इनर लुप में आएगा इंट जे जे अभी कहा जाएगा जे स्टार्ट होगा जीरो से जे जाएगी कहाँ तक एन माइनस आई माइनस वन तक जाएगी ठीक है और फिर हम जे को भी इंक्रीमेंट आई माइनस वन क्या होता है क्योंकि हम लोग को देखो साइड बाय साइड निकल हमें क्या करना है अलग अलग उसकी जो आगे के एलिमेंट्स हैं हमें वो देखना ठीक है तो इसलिए मैंने क्या किया एन आई माइनस एन माइनस आई माइनस वन ठीक है तो अभी क्या होगा कि अगर इफ जो एरे की एलिमेंट है जो एरे की जो जे वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन एरे की जे प्लस वन की वैल्यू हुई ठीक है एरे की जो जे की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन एरे की जे प्लस वन की वैल्यू हुई तो मैं बोलूँगा डायरेक्टली स्वैप, करो स्वेप ऑफ जे को एरे ऑफ जे प्लस वन से स्वैप एरे ऑफ जे प्लस वन से स्वैप करो ठीक है आसान है तो आई थिंक सो आपको यही है इतना ही कोड और कुछ नहीं है और कुछ नहीं है बिल्कुल इतना आसान कोड है तो ठीक है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में पहले मैं जो मेन चीज़ है मेन फंक्शन लिख देता हूँ मैं फिर आपको साथ में एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक एवे लिखता हूँ जहाँ पे क्या होगा जहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिखूंगा फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ सिक्सटी फोर टू थर्टी फोर इलेवन सिक्सटी और वन हूँ ठीक है ये मेरे एरे के एलिमेंट्स है अभी मैं इन टाइम इक्वल जो हमने पिछले टाइम भी लिखा था आपको एक्सप्लेन किया था मैंने क्यों मैंने ये चीज़ किया है साइज ऑफ एरे ए और वे साइज ऑफ जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे एरे का वो मैं लिखता हूँ साइज ऑफ एरे की फर्स्ट वैल्यू एरे इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू तो इससे क्या होगा कि जो मेरा पहला जो मेरा जो नंबर ऑफ़ बाइट्स है जो एक डीजन नेता है मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी फिर मैं एक दाउस सियाओ और अभी मैं ना चलो इस स्टैंड को चला करते यहाँ पे मैं ना पहले ओरिजिनल एरे को प्रिंट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉर्टेड एरे कैसे दिखता है ठीक है तो मैं पहले ओरिजिनल एरे को मैं प्रिंट करता रहा हूँ उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे यहाँ पे मैं एक रूप चलाऊँगा लूप में क्या होगा एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट जाएगा तो फॉर फॉर लूप लूप में क्या है? की I होगा हमारा जो बेसिक ओरिजिनल ओरिजिनल एल की जो वैल्यूज है वो प्रिंट होगा मैं लिखूंगा सियाओ की, की वैल्यू और साथ ही साथ मैं इसको ऑन द सेम टाइम प्रिंट कर दूँगा तो इतना हो गया अभी मुझे जो मेन चीज़ है वो तो जिन्हें कहो है।, है बबल सॉर्ट का फंक्शन बबल सॉर्ट का फंक्शन में क्या आएगा एल की वैल्यूस आएगी और साथ में एन की वैल्यू आएगी ठीक है जो आपने ऊपर डिफाइन किया है वही और सी आउट जब मैं करूँगा तब क्या होगा तब वो सॉर्टेड एरे में प्रिंट करके दिखा दूँगा शॉर्टेज ए और इसमें भी मैं सेम करूँगा यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे किया है, पौधुक इसको मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर करूँ। सर्विकोडन यहाँ पे पेस्ट हो ही रहा है, ठीक है? तो हमारा सब कोड सही से, मेरे हिसाब से सही, अभी हम चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो मैं इसको एक्यूरेट करता हूँ, ठीक है? ओरिजिनल आरे 64, 32, 34, 11, 67, 8 और जो मेरे सॉटेड आ रहे हैं वो एलेवन थर्टी टूटी फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी सेवन एक्सो दस एक सौ उन्नीस मतलब सही से लाइन हो चुका है सिर्फ एक चीज़ है कि हमारा जो स्पेसिंग है वो सही से नहीं हुआ है ठीक है तो उस स्पेसिंग को ठीक करने के लिए मैं एक चीज़ करूंगा वो है या तो मैं चलो एक सिंपल सा चीज़ करता हूँ यहाँ पे मैं देखता हूँ सियाओ एंड बे ठीक है तो इससे क्या आएगा हमारा जो नेक्स्ट लाइन में वो सारा एलिमेंट स्प्रेक्ट हो जाएगा ताकि वो एक लाइन में ना आ जाए तो भी हम देखते हैं ठीक है तो ये अपना सही से काम कर रहा है देखो सिक्सटी फोर थर्टी टू थर्टी फोर एक सौ एलेवन सिक्सटी सेवन एक सौ दस एक सौ बीस और हमने उसको सही से सॉर्टेड करके आपको दिखा दिया है ठीक है तो अभी हम फटाक से समझते हैं कोड को कोड बहुत आसान है ठीक है जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था हमने क्या किया दो पैरामीटर्स लिए एव ए और एट एन करके फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया इस फॉर लूप में क्या हुआ कि हमारा जो भी एलिमेंट्स है उसको हमने एक एक करके ट्रैवर्स करना है इसलिए हमने ये फॉर लूप लिखा दूसरा फॉलोअप हमने इसलिए लिखा ताकि हमें हर एक जो एलिमेंट है उसको हम कम्पेयर कर सके एक एलिमेंट को तो दूसरे साइड नेबर एलिमेंट से कंपेयर कर सके अगर वो नेबर एलिमेंट है वो ग्रेटर है पहले एलिमेंट से तो हम उसको डायरेक्टली स्वैप करेंगे यहाँ से इस फंक्शन से हम डायरेक्टली स्वैप करेंगे उसको ठीक है तो ये तो हो गया अपना अभी इसके बाद क्या है, है हमने एलिमेंट्स लिखे एरे के एलिमेंट्स लिखे हमने एरे की एन की साइज निकाली हमने फिर हमने एक औरजिनल एल लिया जहाँ पे हमने प्रिंट किया हर एक एलिमेंट्स का जो भी एलिमेंट है हमने यहाँ पे प्रिंट करके दिखाया और उसके बाद हमने और एक एलिमेंट और एक फंक्शन को कॉल करके हमने डायरेक्टलीउट सॉटेड आर सॉड एल एट में क्या हुआ जो भी एलिमेंट है हमारा फंक्शन में जाके कर क्लावर्स हुआ और हर एक जो ऑपरेशन होने के बाद जो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा ठीक है तो इतना ही आसान है कोड बहुत आसान है बबल सॉट तो आपको समझा होगा तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं समझा होगा तो फिर से देखना वीडियो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग